खुद आतंकी है, कैसे कह पाएंगे आतंकी? आतंकी ने लिया क्या? पाकिस्तान से पैसा आ रहा है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो क्या बेचने वाला प्रधानमंत्री बना है जिससे घर ना चला देश क्या चलाएगा? 5 इंच का पिछौंडा है, सीना नहीं है। देश बेच दिया, एक मीडिया खरीदा है। मोदी जी के जूते और पड़ेंगे, आपके वोट मांगने आएंगे तो। घटिया, आज तक कोई प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं। कांग्रेस से तो बहुत ज्यादा बेकार निकले, कांग्रेस फिर भी अच्छी थी। बहुमत से जीत गई, अभी जो भी बोले फिर उसको उखाड़ फेंके। मैं लगातार किसान आंदोलन को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको समर्थन, जन समर्थन में तब्दील हो रहा है कि नहीं। आज जवान भी हैं, मुसलमान भी हैं। आप लोगों तो पहले ही आतंकी कह देते हैं। वही हमने तो कहा था कि भाई यहां से हमें तो कहना इनके लिए आसान है, आज तो किसानों को आतंकी कह रहे हैं। तो आप समझ जाइए मानसिकता, जो इनके विरुद्ध खड़ा होगा उसको आतंकी कहेंगे, पाकिस्तानी कहेंगे। आप तो समझ जाना चाहिए ना। अब तो आप लोग को भी आतंकी कह रहे हैं, आप तो जवान थे। खुद आतंकी है, कैसे कह पाएंगे आतंकी? आतंकी ने लिया क्या? हमने आतंकवादियों को मरवाया है, हमने देश के लिए को किया, इसलिए तो हम लगा खड़े हैं। तो आप मानते हैं कि मुसलमान आतंकी होते? नहीं, बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं मानते हैं। भाई आतंकी नहीं है, है? भाई? बिल्कुल नहीं। देखिए, मुसलमान की बात नहीं है, मैं किसी कास्ट को नहीं ले रहा हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी में कुछ अपवाद होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सोच थोड़ा गलत हो जाता है। सरकार तो कह रही कि जो भी सरकार के खिलाफ है सब आतंकवादी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं, बहुत राष्ट्रद्रोही है। नहीं नहीं, गलत बात है, ऐसा नहीं। सरकार क्या कहेगी, सरकार की क्या हम मानेंगे? सरकार क्या है? सरकार हमारे द्वारा बनाई गई है, बहुमत से जीत गई, अभी जो भी बोले फिर उसको उखाड़ फेंकेंगे। आप लोग बहका रहे हैं किसानों को, राजनीति कर रहे हैं। नहीं, ये बताइए, छोड़िए, आपने सेना को कभी राजनीति करते हुए देखा है क्या? इसके पहले भी अभी बीके सिंह मंत्री बन के बैठे हुए हैं। बीके सिंह देखिए, राजनीति तो नहीं कर रहे हैं, वो पहले से चाट रहे हैं, बात समझ ना। वो क्या कर रहे हैं पहले से, छोड़िए, जाने दीजिए जो है कि। हाँ, वो भारत में जो डिफेंस है, जो आर्मी है यहाँ का, वो नॉन पॉलिटिकल रहा है, लेकिन कुछ सालों में बीके सिंह एग्जांपल हैं, वो पॉलिटिकल हुए हैं। आपको क्यों लगा कि आपको यहाँ आना चाहिए? हमको इसलिए लगा कि किसानों का जो मुद्दा था, ये मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं मांग रहे थे जिससे कि मतलब सरकार दबी जा रही थी। किसान यही बोल रहे थे कि आप हमको जो सुविधा दे रहे हैं, वेलफेयर दे रहे हैं, तोहफा दे रहे हैं, उस तोहफा को, उस सुविधा को, उस वेलफेयर को मत दीजिए, अपने पास रख लीजिए, और हमको एक छोटी सी चीज़ दे दीजिए, वो क्या है, MSP का निर्धारण, और उससे कम रेट लेने वालों के ऊपर सजा का प्रावधान। और तो काहे लग रहा है आपको मोदी जी को, मतलब क्या वो दौरा पड़ता है, इतना बड़ा आंदोलन काहे खड़ा करवाएंगे? वो तो कह रहे हैं कि मालामाल हो जाएंगे किसान। देखिए, दौड़ा नहीं पड़ता, जब कोई चीज़ के विनाश का जब अंत होता है ना, तो अंत मोदी जी का विनाश होने वाला है। 50 साल रहेगी बीजेपी, अमित शाह ने कहा है। अच्छा, तो अब नजर ही आएगा। जनक का नाम सुने हैं? हाँ, सब सुने। अमित शाह ने क्या बोला है और मोदी जी ने क्या बोला है, सारी बातें तो उनकी सच्ची नजर आ रही है। आप लोग देख रहे हो ना, सब जुमले में जो आज जो बोल के जाते हैं। क्या जुमला लगता है आपको, अभी तक जो भी उन्होंने वादा किया वो क्या मिल गया क्या? कौन कौन सब वादा पूरा हो गया? पाकिस्तान पर हमला कर दिए, 370 हटा दिए, विदेश में डंका बज रहा है, और क्या चाहिए? पाकिस्तान पर उन्होंने नौकरी भी तो बोला था, वो कहाँ है नौकरी? क्या आप आत्मनिर्भर बनिए, खिलौना बनाइए, पकौड़ा तलिए। इसलिए चुना था इनको हमने। क्या काहे चुने थे? इसलिए चुना था हमने चुने थे, बताइए तो। कांग्रेस से परेशान होकर चुना था इनको। हाँ। और कांग्रेस से तो बहुत ज्यादा बेकार निकले, कांग्रेस फिर भी अच्छी थी। कैसे बेकार निकले? क्यों, इन्होंने क्या किया पता पब्लिक को परेशान करने के अलावा? ये बीजेपी के लोग ही सिर्फ जानते हैं, बाकी देश में कोई किसान नहीं जानता, ना किसान के बेटे जानते। ये गाय गोबर गौमूत्र को भोजन बना दिया, कुछ नहीं किया मोदी जी ने। क्या किया ये बस, चलो बताएंगे अभी पंचवर्षीय, अब आने वाला इलेक्शन बता देंगे अब इनको क्या क्या होता है। अच्छा एक बताइए, आप लोग के लिए तो भाई आंदोलन भी नहीं कर सकते थे, आप लोगों को तो 20 लोग की हत्या हो गई थी CNRC वाला में। अब कुछ लग रहा है कि देश एकजुट हो रहा है, धर्म और जात से ऊपर उठ रहा है? बिल्कुल उठ रहा है, हम तो पहले ही से समझा रहे थे कि आप ये मत समझिए कि किसी जाति विशेष या संप्रदाय के खिलाफ ही ये कुछ बोलते हैं, बल्कि हर वो वर्ग, युवा वर्ग हो, छात्र हो, किसान हो, जो भी सरकार के विरुद्ध बोलेंगे, भाई हम भी तैयार हैं। SC और OBC के जो छात्र थे उनकी स्कॉलरशिप खत्म कर दी गई है। SC की तो स्कॉलरशिप जो 0% एडमिशन होता था। तुम लोग का अलग ही रोना है यार, पकौड़ा तौलो यार, पकौड़ा तौलो। ताऊ कुछ बोल रहे हैं, कहाँ से आए ताऊ? हम जिला बिजनौर से। तो आप भी मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं? मोदी जी के जूते और पड़ेंगे, आपके वोट मांगने आएंगे तो। कहाँ वोट मांगने आएंगे? जब जितने भी जाएगा वो आएंगे ना हमारे यहाँ पे गाँव में, जूते मारेंगे। काहे जूता मारेंगे?
जुटे कैसे मारेंगे कैंडिडेट के? क्यों क्यों मांगे ना मांगे? इतना बढ़िया प्रधानमंत्री दुनिया में डंका बज रहा है, इतना घटिया आज तक कोई प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं। कैसे सबूत तो दीजिए, खाली बोलने से होगा? बोलने से तो हम ये दिख नहीं रहे क्या? आम जनता परेशान नहीं है? आम जनता तो यहाँ पिकनिक मना रही है, लंगर खा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। मोदी सरकार कह रही है आप लोग पिकनिक मना रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं। वो हमारे यहाँ आके खा ले, हमारी जनता के सामने यहाँ आके लोग कह रहा है कि आप लोग 100-100 रुपया लेके आते हैं रोज। ये खुद मतलब उन्हें लामा बताइए आप। फौजी जी, फौजी साहब, किसान रुके रुके रुके, फौजी साहब कह रहा है कि सब 100-100 रुपया लेके आता है। कौन 100 रुपया लेके आता है? कौन 100 रुपया लेके आता है? आप लोग माल लेके आ रहे हैं, चीन पाकिस्तान से पैसा आ रहा है। अच्छा अच्छा, ये देखिए ये सब पहले सारी झूठे बातें हैं, इस तरह की कुछ नहीं है। आराम से पाकिस्तान से पैसा आ रहा है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। CID इनकी है, CBI इनकी है, प्रधानमंत्री ये हैं। इन्हें अगर पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, उस पैसे का पता लगाकर सारा को गंगा जी में डूब जाना चाहिए, तो शुद्ध हो जाएंगे। इन्हें यही पता नहीं पैसा कहाँ से आ रहा है। जब ये खुफिया इनकी है, सब कुछ इनका, तो पैसा दिखाए ना कहाँ से आ रहा है। कि अगर जो कहीं से कुछ आ भी रहा है तो आई तो रहा है, देश से कुछ जा तो नहीं रहा है ना। ये अलगे लॉजिक है आजकल भाई साहब, आजकल भाई साहब अलगे लॉजिक है। देश का जवान देश के मुसलमान के बारे में गवाही दे रहा है कि वो भी उतना ही देशभक्त है जितना देश का। आप लोग टीवी पर जाते थे, आजकल एंकर लोग कुछ डर उड़ रहा है आप लोगों से कि पहली की तरह रेल रहा है? हो सकता है कि हमसे डरने लगे, हमने कई बार बजा दी है अच्छे से लग रहा है मुझे। लेकिन आप अच्छा, टीवी अखबार वाला को आप लोग बहुत बहुत भाई साहब रेल दिए हैं, एकदम बेचारा डर गया। मोदी मीडिया है, ये तो पूरा देश बेच दिया है इस प्रधानमंत्री ने, केवल इससे एक मीडिया खरीदी गई है। ओ भाई साहब, बड़ी बात, बड़की बात, सारा बेच दिया, मीडिया खरीद लिया, देश बेच दिया, एक मीडिया खरीदा है इस आदमी ने। आप फेसबुक पर फेसबुक पर है क्या? फेसबुक फेसबुक पर नहीं हूँ मैं, तो सीधा किसान हूँ। अच्छा, नए का फोटो देखे प्रधानमंत्री का? किसका? बढ़िया लग रहे हैं, मक्खी भिनक गई है, 56 इंच का सीना हाथ फेंकने बंद हो चुके हैं। अरे नया वाला फोटो देखे हैं टैगोर साहब की तरफ फाइल? फोटो बहुत देखे हैं, ये तो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना है, जिससे घर ना चला देश क्या चलाएगा? घर कैसे नहीं चला? घर वाली नहीं रखी गई, घर नहीं चला देश क्या चलाएगा? उनके सारे रिश्तेदार अमीर हो गए हैं, जानकारी नहीं है। उसके अडानी अंबानी ज्यादा अमीर हुए हैं, लेकिन ये इतना, ये तो सहरे हमारे, हमें बेच के दो ये लोगों को सब भर दिया है, जब ही तो ये पीछे नहीं हट रहे। बोले क्या जवाब दूंगा इन्हें मैं? किसको जवाब देना है? अडानी और अंबानी को। मतलब मोदी जी डरते हैं क्या? अडानी डरते नहीं, डल्ला है एकदम, 56 इंच का सीना है, 56 इंच का पिछौंडा है, सीना नहीं है, 56 इंच का सीना है, बोल रहे हैं 56 इंच का सीना है। बनारस में जाकर भाषण देते हैं, 10 किलोमीटर दूर जब बॉर्डर पड़ता है, 10-15 किलोमीटर दूर, यहाँ नहीं आया था प्रधानमंत्री पे, प्रधानमंत्री हवा में पड़ गया, हमने वोट नहीं दिया प्रधानमंत्री को। 300 सीट जीत क्या है, सड़क पर आएंगे? 300 सीट हमने दिया ना, एक आदमी हमने दिया ना, हमारे पास क्यों नहीं आते, हमारे क्यों नहीं सुनते प्रधानमंत्री? क्या बहरे हो गए क्या, दिखाई अंधे हो गए क्या, दिखाई नहीं देता प्रधानमंत्री को? नहीं आएंगे तो क्या कर लीजिएगा? बता देंगे 26 जनवरी परेड करेंगे, 26 जनवरी बाबू क्या कर लीजिएगा, 26 जनवरी परेड करेंगे। बीजेपी वाला कह रहे हैं आप सब लोग बहकाए हुए हैं, 100-100 रुपया लेके आते हैं, 100-100 रुपए इनकी औकात है देने की, 100-100 रुपए की, 100 रुपए भी नहीं दिया किसानों को, एक चाय पिलवा देता है यहाँ पर लाके। अच्छा माल, ये 18,000 करोड़ अकाउंट में डल गया किसके में? हम भिखारी है क्या? हम तो दुनिया खिलाने वाले हैं, हमें नहीं चाहिए 18 करोड़ और 20 करोड़ हमें नहीं चाहिए, हमसे और ले लो, हमारी MSP कानून बना दो। 9,090 इतने किसान है, 16 रुपए किसान पाया 18,000 करोड़ में, कितनी बड़ी जनसंख्या है, हमसे बात करे ना कोई, 16 रुपए आया है किसान के हिस्से में। लॉकडाउन में तुमने कानून बनाया? अभी नई लेटेस्ट न्यूज है, आप भी न्यूज तो देखती हैं, पढ़ते भी हैं, बनाते भी हैं। अभी 50,000 किसानों को इन्होंने नोटिस जारी किया है मध्य प्रदेश में, अभी लेटर जेल डाला जाएगा। हाँ सबको, ये किसान का सम्मान नहीं कर रहे हैं, ये सम्मान निधि नहीं है, ये किसान की अपमान निधि है। किसान आंदोलन से सबसे ज्यादा राहत में मुसलमान, दलित और पिछड़ा है। उसके आंदोलन, वो लगातार पिछले 6 साल से आंदोलन कर रहा था, मार खा रहा था, SC ST एक्ट में दलितों की गोली चली, मौत हुई, उसके बाद मुसलमान NRCCA में मौत हुई। किसान के आंदोलन में सरकार ये बात फिट नहीं कर पा रही है कि माल पाकिस्तान से आ रहा है कि चीन से आ रहा है कि आतंकी है कि खालिस्तानी है। कोशिश तो हुई थी लेकिन मामला फिट नहीं हो रहा है, अब आगे क्या होगा? मुझे लगता है कि अब किसान ही जो है वो
पूरे देश की जो विपक्ष की आवाज है ना उसको मजबूती से ले जाएगा। हो सकता है जो मतलब हमारे नेता सभी किसाने के सहारे है, नहीं मुझे लगता है कि बहुत डरपोक नेता है देश में ना, एक आखिरी की डरपोक बना दिया गया है सब किसान के बीजेपी आईडी सेल ने विपक्ष को इतना निकम्मा निकारा बना दिया गया है कि किसान का आनंद लेना पड़ रहा है विपक्ष को भी, जबकि विपक्ष को सड़क पर होना चाहिए था। राहुल बाबा विदेश चले गए, राहुल बाबा क्या करेंगे, राहुल बाबा को तो पप्पू कहकर उसको एकदम में पप्पू बना दिया गया, विदेश गए विपक्ष आए, वो कहीं भी जाए भाई, हमको तो मोदी जी से पॉलिटिकल लीडरशिप की बड़ी नाकामी रही। आप ये समझते हैं कि सिर्फ राजनीतिक पार्टी विपक्ष, देश का युवा भी विपक्ष है, देश का छात्र भी विपक्ष, जामिया में हमारे छात्र विपक्ष की भूमिका, चुनाव मत लड़िएगा आप लोग, भी विपक्ष है। अरे हम भी तो इस देश के युवा है ना, हम भी विपक्ष हैं। तो देखिए हल्के फुलके अंदाज में बात करो, किसानों के मसले को हल कर दीजिए। मैं कहता हूँ चलिए आपने हमारी नहीं मानी, माफ कर देंगे अगर आप किसानों का मसला हल कर देंगे। लीजिए बात कह दी हमने जी, सीआर नरसी मान लेंगे किसान का बिल माफ, आप किसानों का मसला हल कर दीजिए, बहुत सारी गलतियां माफ कर देंगे। चलिए तो किसानों के लिए ये भी सही, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, किसान आंदोलन बहुत ऐतिहासिक है, बहुत तरीके से इसे लिखा जाएगा पढ़ा जाएगा, जो मीडिया अभी इसके साथ बदनाम कर रही है उसको कभी पछतावा होगा, बहुत ऐतिहासिक आंदोलन है, कभी आइए सड़कों पर और देखिए। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।